Hey guys, welcome to the video, and today we are going to do head explosion effect in Premiere Pro. Yes, in Premiere Pro, and it is going to be very very easy. So step by step mujhe follow karo and let's make this effect in 5 minutes. And also this is going to be the part 1 of the video, and part 2 mein hum log karne ja rahe hain after effects ke andar. Kafi zyada time lag jata hai mujhe tutorials banane mein, so that's why I took so much time since my last video. So without wasting any time, let us start the video. So sabse pehle hum log Premiere Pro mein ek naya project banayenge, हमारी फाइल ऐड करेंगे एंड लेट अस स्टार्ट. देन हम लोग सीक्वेंस क्रिएट करेंगे लाइक दिस. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल ओवर दिस आइकन एंड अ सीक्वेंस विल बी क्रिएटेड फॉर यू. उसके बाद मैं जस्ट रीनेम द सीक्वेंस टू व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. अब यहाँ पर मैं ग्रीन स्क्रीन फुटेज यूज कर रहा हूँ. खुद की रिकॉर्ड की हुई फुटेज भी यूज कर सकते हैं. वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे. एंड जो चीज हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं वो प्रीमियर प्रो में भी पॉसिबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो यहाँ पर मेरे पास में एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज है. ग्रीन स्क्रीन फुटेज का फायदा ये है कि आप बेसिकली की आउट कर सकते हो बैकग्राउंड को. हम लोग इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, इफेक्ट्स पैनल में सर्च करेंगे अल्ट्रा की. अल्ट्रा की सर्च करने के बाद हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी फुटेज के ऊपर. फुटेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे हम लोग जाएंगे. वहां से स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें दिखेगा अल्ट्रा की. अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा, ये पास में एक आई ड्रॉपर आइकन होगा. उस आई ड्रॉपर पे हम क्लिक करेंगे. ये जो हमारी फुटेज का कलर है इस पे जाकर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे. सो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड अब पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिख रहा है. क्रिएटिंग अ मास्क एंड सिलेक्टिंग द राइट फ्रेम. अब किस फ्रेम पे हमें एक्सप्लोजन चाहिए, यहाँ पर मैंने ये वाली फ्रेम इसलिए सेलेक्ट करी बिकॉज द कैरेक्टर इज स्टेबल. हम लोग यहाँ पर एक रफ मास्क क्रिएट करेंगे ओपेसिटी पैनल में जाके. पेन टूल सेलेक्ट करेंगे. पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद में वी विल क्रिएट अ मास्क अराउंड द फेस. सो यू कैन सी कि ये मास्क ट्रैक नहीं हुआ है, तो इसे हमें मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा. मैनुअली कैसे ट्रैक करेंगे, उसके लिए हमें की फ्रेम्स क्रिएट करना पड़ेंगे. तो जैसे मैं यहाँ पर की फ्रेम्स क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. और यहाँ पर यू कैन सी दैट आई एम डूइंग द प्रोसेस अ लिटिल बिट फास्टर. हमें क्योंकि पूरी फुटेज पे ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि पूरी फुटेज 9 सेकेंड, वी हैव टू टेक अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस फुटेज. तो राइट अमाउंट तक, जहाँ पर हमें लगता है कि इतनी ही फुटेज हमें यूज करना है, वहां तक जाके हम लोग की फ्रेम कर देंगे. मास्क हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, मास्क एक्सपांशन को अपने हिसाब से, मास्क पाथ को अपने हिसाब से. ओके, अब यहाँ पर यू कैन प्ले विद द सेटिंग्स. हम लोग खोलेंगे स्टोरी ब्लॉक्स. यहाँ से हम लोग लेंगे एक फुटेज जो कि हम एक्सप्लोजन में यूज कर सकते हैं. हम लोग ट्राई कर सकते हैं अलग अलग फुटेजेस. यहाँ पर यू कैन यूज pixel.com, और द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन गो टू YouTube एंड यू कैन सर्च वट एवर यू वॉन्ट टू हैव एज एन इफेक्ट. सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिप्स डाउनलोड कर लिए हैं, एंड वॉट वी हैव टू डू नाउ इज टू डाउनलोड द इफेक्ट फ्रॉम YouTube. येस, फ्रॉम YouTube, अ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो कि हम एक हैक करने वाले हैं यहाँ पर. अगर आपको जल्दी कोई भी इफेक्ट चाहिए आप और योर YouTube वीडियोज, यहाँ पर आप आफ्टर इफेक्ट्स खोल कर नए इफेक्ट्स बार बार नहीं बना सकते हैं. सो यू कैन गो टू YouTube.com, वहां पर आप कुछ भी इफेक्ट सर्च कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे हेड एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट. आपको सीधे सीधे एक वीडियो मिल जाएगा जो कि ग्रीन बैकग्राउंड के साथ में होगा और जिसपे वो इफेक्ट होगा. वो क्लिप को डाउनलोड करना है यूट्यूब से. डाउनलोड करने के बाद में यू जस्ट हैव टू एड इट टू योर टाइमलाइन. सो टाइमलाइन में एड करने के बाद में यू हैव टू गो टू द इफेक्ट्स पैनल. इफेक्ट्स पैनल में जाके यू हैव टू सर्च फॉर द इफेक्ट अगेन अल्ट्रा की. अल्ट्रा की को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी फुटेज के ऊपर. फुटेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यू हैव टू गो टू द इफेक्ट कंट्रोल पैनल. रोल डाउन यू विल फाइंड द आई ड्रॉपर टूल. क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट द कलर. वीडियो पर जाकर लेफ्ट क्लिक करना है. यू जस्ट हैव टू अलाइन द इफेक्ट विद द हेड ऑफ योर कैरेक्टर. सो मैं इसे मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलाइन करता हूँ. तो आफ्टर एडिंग साउंड एंड अलाइनिंग द इफेक्ट, तो ये सब करने के बाद में आपका वीडियो कुछ ऐसा लगेगा. So guys, I hope you liked the video, and if you liked the video, please leave a like, subscribe to my channel, and I would like to thank all the 238 subscribers that I have for supporting me and you know, for watching my videos. So thanks for subscribing, and let us continue this journey together, and I'll see you in the next video. So keep watching.